खबर है कि प्रियंका चाहर चौधरी टॉप तीन में जगह बनाने में कामयाब रही है, तो वही शिव ठाकरे टॉप तीन में मजबूती से खड़े हैं और फिनाले की इस दौड़ में दूसरे कंटेस्टेंट बन गए हैं। अब किस्मत ही तय करेगी कि रेस कौन जीत रहा है। इस लिस्ट में तीसरे स्थान पर जगह बनाई है एससी स्टैन ने। इन्होंने अर्चना गौतम और शालीन भनोट को पछाड़कर अपने लिए नंबर तीन की पोजीशन हासिल की है। वैसे आपको याद दिला दे कि स्टैन शुरुआत से ही शो को छोड़कर जाना चाहते थे। ऐसे में दर्शकों का कहना है कि ऐसे व्यक्ति को विनर कैसे बना सकते हैं जो खुद ही जीतना नहीं चाहता। शालीन भनोट ने टॉप तीन में आने के लिए पूरा जोर लगाया, पर अफसोस कि वो एमसी स्टैन से हार गए। बता दें कि हाल ही में शालीन ने स्टैन से कहा था कि वो विनर बनना डिजर्व नहीं करते हैं क्योंकि शो में उनका कोई योगदान नहीं है। इस बात पर तो स्टैन रो दिए और उन्होंने कहा कि उन्हें भी बुरा लगता है। दरअसल एमसी स्टैन की फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि उनका यहाँ पहुँचना कोई आश्चर्य नहीं है। रही बात अर्चना गौतम की, तो उनकी हरकतों को जरूर मिस किया जाएगा। अर्चना खुद को टॉप तीन में मान रही थी, उनके घर वालों जनता से वोट देने की जमकर अपील भी कर रहे हैं, हालांकि इन सब का कुछ भी फायदा नहीं हुआ।